ओम शांति। बाबा कहते हैं, अगर किसी भी कार्य में मेहनत लगती है, सहज नहीं होता है, चाहे वो कोई पुरुषार्थ की बात हो, संस्कार परिवर्तन की बात हो, किसी परिस्थिति का सामना करने की बात हो, तो क्या करो, जैसे ब्रह्मा बाबा में बाप अर्थात शिव बाबा सदा समाया हुआ था, इसलिए कभी भी उन्हें मेहनत नहीं लगी। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को इतना अपने साथ कंबाइंड कर लिया था, स्वयं के चित्त में, मन में, बुद्धि में सर्वस्व बनाकर समा लिया था। वैसे ही आप बच्चे भी बाप दादा को अपने नयनों में समा दो, अपने आप में समा दो, तो क्या होगा, कभी भी किसी भी कार्य में, परिवर्तन में, कहीं भी मेहनत समाप्त हो जाएगी, सब कुछ सहज ही होने लगेगा। ये बाप दादा का वरदान है कि जो साथी के पाठ को पक्का करेगा, जो हर पल बाप दादा को अपने आप में समा लेगा, समाना अर्थात सदा अपने साथ अनुभव करना, उसे अपने साथ कंबाइंड फील करना कि बाप दादा मेरे साथ कंबाइंड है, ये स्मृति निरंतर रहे, बुद्धि की आंख सदा बाबा को अपने समीप देखती रहे, तो क्या होगा, असंभव भी संभव हो जाएगा और आगे चलकर ऐसी आत्माओं से सब नज़र से निहाल हो जाएंगे। इसलिए इस बात में फॉलो फादर करना है, ये महारथियों का पुरुषार्थ है जो आगे चलकर इस संसार में बाप समान सेवाधारी का पाठ बजाना चाहते हैं। जो आत्माएं जन्म जन्म के लिए शिव बाबा से सर्वस्व पाना चाहती हैं, वो बाप दादा को निरंतर अपने साथ कंबाइंड कर ले। भक्ति मार्ग में इसका यादगार भी है, अर्धनारीश्वर, आधा तन शिव का, आधा तन पार्वती का, तो ऐसे समझो जैसे कि बाप दादा भी मेरे साथ कंबाइंड है, मैं आत्मा उसका बच्चा हूँ और बाबा सदा अर्धनारीश्वर स्वरूप में मेरे साथ कंबाइंड है, और ये कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास, निरंतर बाबा को कंबाइंड रखने का अभ्यास और भी सहज तब होगा जब हम मैं और मेरेपन से ऊपर उठ जाएंगे, न्यारे हो जाएंगे, और मैं और मेरेपन से ऊपर उठने के लिए सबसे सहज युक्ति है सर्वस्व समर्पण। सर्वस्व बाबा को अर्पण कर दो, खुद को निमित समझो, कर्तापन के भाव को खत्म कर दो। जैसे मम्मा का स्लोगन था, हुक्मी हुक्म चला रहा है, मैं तो निमित हूँ, हम तो निमित हैं, ये सत्य है, हम तो निमित मात्र हैं, सब कुछ गॉडली प्लानिंग से हो रहा है, इसलिए मैं और मेरेपन के झूठ को त्याग दो, क्योंकि ये कुछ भी आपका नहीं है, ये सब कुछ यहीं लिया था और यहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ टेम्परेरी है, जो आज है वो कल नहीं होगा। तो इस तरह से इसे भगवान की अमानत समझो, और वो मुझे चला रहा है, मैं निमित हूँ, इस भाव से मैं और मेरेपन की सूक्ष्म से सूक्ष्म रस्सियों को भी आज तोड़ दो, और बाप दादा को अपना सर्वस्व मानकर, उससे सर्व संबंध जोड़कर अपना साथी बना लो, क्योंकि हुक्मी हुक्म चला रहा है, अर्थात वही मुझे पल पल चला रहा है, पल पल पालना दे रहा है,
वही मेरा रिस्पॉन्सिबल है, मेरा पिता है। तो इस तरह से जब हमारा संबंध बाप दादा से जुड़ेगा, जब हम उसके इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे, तो सदा काल कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में रहना सहज और सरल हो जाएगा। बुद्धि भटकेगी नहीं, बाप दादा से कनेक्शन टूटेगा नहीं। और याद रखें, ये अभ्यास जो करेगा, अंत समय में उनकी उपस्थिति, उनकी एक नज़र के सब प्यासे होंगे, सब उनसे निहाल हो जाएंगे। ओम शांति।